वो आल भी था। उसे कुछ काम करने का मन नहीं करता था। उसकी बीवी भी बहुत परेशान थी। इतना उठाने के बाद भी ब्राह्मण पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक आंख खोली और फिर सो गया। ब्राह्मण महाराज की आवाज सुनकर उठ जाता है और किसी के मुख्य साथ खेलने लग जाता है। उसी समय उसकी पत्नी को एक साधु महाराज की साधु महाराज को लेकर घर पहुंचती है और देखती है प्रणाम महाराज, आइए बैठिए। पत्नी और ब्राह्मण साधु का खूब आदर सत्कार करते हैं। उनको भोजन कराने के बाद उनके पैर दबाने लगते हैं। ब्राह्मण से खुश होकर साधु महाराज वरदान मांगने को कहते हैं। बोल बेटा, तेरी क्या इच्छा है? मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे कोई भी काम खुद ना करना पड़े, कोई हो जो मेरे सारे काम पूरे कर दे। ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर याद रखना, उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना, उसे कभी खाली बैठने ना देना। जरूर महाराज, मैं याद रखूंगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उनके जाते ही वहां एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने आ गया। अच्छी बात है, अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे बड़े खेत में पानी डालना। जी मालिक, मैं अभी ये काम खत्म करके आता हूँ। इतना सुनते ही राक्षस वहाँ से गायब हो गया और वह खुश हो गया कि अब ब्राह्मण को उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर में राक्षस वापस आ गया। मालिक, आपने जो काम करा था वो पूरा हो गया, बताइए मैं क्या काम कर सकता हूँ? अरे, इतने बड़े खेत में इतने जल्दी पानी डाला है, अब मैं क्या काम देख सकता हूँ? बताइए बताइए मैं क्या काम कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। जल्दी जाओ और खेत जोता। जी मालिक, मैं अभी ना खत्म करके आता हूँ। राक्षस ने ये बात सुनकर ब्राह्मण घबरा गया था और उसने और एक काम बोल दिया था। मालिक, बताइए मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? बताइए बताइए। अरे ये क्या, तुम इतने जल्दी आ गए? तुम जाकर घास डाला बैलों को। जी मालिक, मैं ये काम खत्म करके अभी आता हूँ। मालिक, ये काम भी हो गया, अब बताइए मैं क्या काम कर सकता हूँ? उसके जाते अरे काम काम काम, मैं क्या काम तो इसे
पर बैठ जा और सपना बचाओ। अरे भीमा